अब हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पूरी थाली को गुलाब जामुन। बोलो साहब कितना रोटी चाहिए, तवा रोटी चाहिए, पूड़ी चाहिए और गुलाब जामुन बोल दे रहा हूँ। हाँ भैया 10-12 गुलाब जामुन तो आराम से बोल दे। हाय गाइस, सर मैं सेट फ्रॉम मेथी भाजी और जैसे आपको पता ही है कि भाई गुजरात के लोग खाना खाने का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं, सूरत में आइए आज आपको दिखाते हैं एक ऐसी बेहतरीन जगह पे अनलिमिटेड गुजराती खाना विद लोड्स ऑफ फन। छास लग रहा है, चालू एंड स्टार्ट मीडियम सब दही बड़ा। हाँ चाट में तो चाट मतलब फरसान में एक चाट टाइप का कुछ रहता है, हाँ, एक फ्राइड रहता है एक, और एक और एक स्टीम्ड रहता है। हाँ, तीन तीन फरसान रहता है। हाँ, डेली में चेंज होता रहता है। ये दही बड़ा लग रहा है। हाँ, ये चाट है। अच्छा हाँ, और बंदा आता होगा फुल खा के जाता होगा मस्त एकदम आराम से खुश होके चटपटा मतलब मीठा तीखा सब सब रहता है पूरा सही है। आप बताओ डेली बेसिस पे मतलब आर्ली बेसिस पे इतना रोटी निकलता होगा ना, ऑटोमेटिक बना रखा है आपने इसको सिस्टम को, घुमाते रहते हैं घूमता रहता है यहाँ से। हाँ, कच्ची पक्की होती है और उधर पूरा 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 आगे प्रोसेस अभी और है। इधर यहाँ से पेड़े पहले बनते हैं फिर उधर से रोटी बेलते हैं और वो एक एक करके इस पे डालते रहते हैं तवे पे। तवाई बोलेंगे इसको, तवाई बोलेंगे इसमें थोड़ी फुलती है फिर डायरेक्ट। हाँ, पकाते वो जैसे घर में बनाते हैं तवे पे कच्चा पक्का करते हैं फिर अंगार पे उसको करारा करते हैं। हाँ एक बार दोहरा करना भैया, थोड़ा मजा आता ना देखने में। हाँ हाँ लगता है तो काफ़ी फास्ट। आप लोगों को तो ऐसी फास्ट चीज़ की ज़रूरत ही है ना क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है। फेस्टिवल के दिन तो दो दो तीन तीन हज़ार रोटी चाहिए। दो दो तीन तीन हज़ार तीन घंटे में, तीन घंटे मतलब वन बैच में। तो टाइमिंग्स अपनी लंच का रहता है 11 से 3:15, 11 से 3:15 और डिनर 7 से 10:30, 7 से 10:30। अच्छा कभी फेस्टिवल होता है तो एक दिन में 3,000 रोटी एवरेज चाहिए। अच्छा, और ये रोटी को एंजॉय करने के लिए साथ में कितनी था वो रहती हैं सब्जियाँ? 4-10 की सब्जी होती है। अच्छा, वो डेली चेंज होते रहती है। अभी रोटियों पे घी लग रहा है सब पे और ये रोटियाँ रेडी, रोटी इधर और अभी ये पूरी लेंगे। पूरी डालने का अंदाज भी काफ़ी फास्ट है। अच्छा मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपकी जो रोटी और पूड़ी है वो भी छोटी छोटी है ताकि जो जितना खाए उतना वेस्टेज ना हो, वेस्टेज कम हो। ये थोड़ा बड़ा साइज गोलगप्पा है। हाँ, बड़ा गोलगप्पा है, बड़ा गोलगप्पा है, तो सही नहीं रहता है। हाँ, और ये तो अनलिमिटेड ही रहता होगा सब कुछ अनलिमिटेड। क्या प्राइसिंग का रहता है इसका? 300 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स, पानी सब सब रहता है। तो वो सही है कि मतलब ये देखो इधर से पूड़ी आ गई, इधर से रोटी आ गई, जिसको जो भले वो खाए पर वेस्टेज ना करे, दैट इज़ नाइस। हमारा तीन जात का समझो आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको, नमकीन हो गया, फरसान, फरसान बोलते हैं फरसान। हाँ, एक फ्राई होता है आज का, ये समोसा है, समोसा है, एक चाट होगा आज, दही वड़ा है, दही वड़ा है और एक है खमन हो गया या ढोकला हो गया, स्टीम में लगा चालू कर गर्म होता है ढोकला बनता रहता है, ढोकला बनता रहता है। ये कभी ढोकला कभी खमन कभी खांड भी ऐसा रहता होगा। और फ्राइडे काफ़ी वो मतलब ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो, ट्रांसलेशन गुजराती से हिंदी। चलो दाल बाटी रहती है, दाल बाटी, दाल, अच्छा दाल बाटी स्पेशल, दाल बाटी स्पेशल रहता है, दाल बाटी स्पेशल रहता है, हमारा होता है। ये तो बहुत ही सही लगा मुझे, ये बड़े बड़े कच्चा खिलाड़ी हो ना, हम भी थोड़ा सीख रहे हैं पर बढ़िया। ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। बोलो साहब कितना रोटी चाहिए, तवा रोटी चाहिए, पूड़ी चाहिए? फास्ट काम है, फास्ट, ओ पलटा दिया, ये भी पक गया। जिसके भी नसीब में ये रोटी आए ज़्यादा बुरा मत मनाना, देखने में इजी लगता है, बड़ा एक्सपीरियंस का काम है। नाइस, आइए सब्जियां दिखाते हैं आपको, ये क्या क्या आज खाने में है, खाने में अभी रिफिलिंग ही हो रही है इन सब चीज़ों की। गुजराती मीठी दाल, हाँ गुजरात आए तो दाल में मिठास तो अच्छा ही लगता है। सूरती उंधियू, हाँ थोड़ा हरा रहता है ये, हरा हरा उंधियू है, आलू सब मिक्स रहता है ये, उंधियू मिक्स वेज और मेथी मुठिया रहता है ना। हाँ मेथी, हाँ सीजनल होता है,
पनीर टिक्का है, पनीर की सब्जी, पंजाबी सब्जी, ठीक है। ये थोड़ा तेज खाने वालों के लिए, हाँ। रसालू, आलू टोमेटो, आलू टमाटर, मूंग मसाला, मूंग मसाला, मटकी रह गया, एक गुजराती कढ़ी, हाँ ये मेरी फेवरेट है भाई, बहुत पसंद है मुझे। तीखा दाल है, तीखा दाल है, हाँ राजस्थान मीठा नहीं खाते, वो तीखा खाते हैं, तीखा खाते हैं। अपना ये जैन सब्जी है, जैन सब्जी नहीं खाते ना, हाँ वो जैन। तो मतलब थाली में सबके लिए कुछ है, आप तीखा खाते हो आपके लिए कुछ है, मीठा खाते हो आपके लिए, हाँ प्याज लहसुन नहीं खाते तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ है, हाँ। जो बढ़िया लोग हैं, जो कांदा लहसुन नहीं खाते, कांदा लहसुन नहीं खाते, उंधियू है, जैन उंधियू है, अच्छा। अलग अलग वैरायटी रहता है, कच्चा केला, टिंडोला, पापड़ी, अच्छा। आलू भी नहीं रहता इसमें, आलू नहीं रहता जैन में, प्योर जैन है वो, प्योर जैन है। ककड़ी, कच्चा केला, पिंडोला, पापड़ी, ये सब रहता है, ठीक है। अब देख लिया, भूख लग रही है महाराज जी, खा ले हम भी। ओके महाराज जी, धन्यवाद, ओके, थैंक यू, थैंक यू। क्या क्या आएगा? ये कचुंबर सलाद, छाछ एक और दे दो, हाँ छाछ खत्म हो गया, सलाद भी कम दिया है। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, हाँ पहले ही दो डाल दिए। बासुंदी, गुलाब जामुन को बासुंदी के साथ मिला के खाऊंगा। ये नींबू का अचार है, टेक सम लेमन वेज, नाउ वी वेट। हाँ जी, पापड़, पापड़ आ गया, इधर राइस, ये दाल है, ये वेजिटेबल, फोर वेजिटेबल, कटो आलू, आलू इंडिया, ये दही बड़ा आ गया, मिर्ची दाल मीठा, हाँ मीठा दाल, मिर्ची भी डाल देना, नाइस। समोसा, परसान, परसान और ढोकला, दो रोटी और दो पूड़ी डाल दो, राइस भी दो, कंप्लीट हो गया, हाँ चावल राइस, राइस बोल दो बस, ग्रेट गाइस। गाइस फाइनली थाली लग चुकी है, काफ़ी लोडेड सा सामान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड लॉट ऑफ स्टफ, 20 के आसपास चीज़ें डाली हुई है, टोटल 300 रुपीज प्राइस है इसका। विल ईट इट ऑल, ट्राई टू, कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इतना अच्छा लग रहा है ना सारा, यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इधर छाछ के नॉर्मल रहते हैं, तड़का नहीं रहता, प्लेन छाछ, प्लेन छाछ, खट्टा सिर्फ खटास रहती है, दैट्स इट। वी हैव डेजर्ट्स जिस पर हम लोग बाद में आएंगे, फरसान से स्टार्ट करेंगे। फरसान में एक हमारे पास स्टीम्ड वाला है ढोकला, जिसको हम लोग लेंगे चटनी के साथ, चटनी हम लोग ट्राई करेंगे सबसे पहले। खट्टी मिट्टी सी चटनी, काफ़ी खट्टी चटनी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, दो तीन टाइप के फरसान है, तीन चार टाइप की ड्राई सब्जियाँ हैं, फिर ये वाला जो है सेक्शन है, दिस इज लिक्विड सेक्शन, देन देर इज रोटी, देन देर इज पूड़ी, पापड़, मतलब होलसम है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आपको खानी चाहिए पंजाबी दाल, ओ चट्टाकेदार मूंग दाल, और अगर आपको मीठा पसंद है तो आपको खानी चाहिए गुजराती दाल, और जो सबसे फेवरेट है मेरी वो आएगी एक रोटी की बाइट के साथ, और डिप करेंगे इसके अंदर गुजराती कढ़ी, हल्की हल्की मिठास, और वो जो जीरा का हल्का फ्लेवर आता है, बेस्ट। हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, इन माय हम्बल ओपिनियन गुजराती कढ़ी इज बे, सॉल्ट वे से ऊपर गुजराती कढ़ी, और यहाँ पे पंजाबी पनीर, मतलब एक ना भरम है लोगों का कि गुजराती थाली में सब कुछ मीठा रहता है। इसमें देखो, दिस एंड दिस, दीज आर दी ओनली टू थिंग्स दैट आर सेवरी बट हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस इन दैम, मतलब थोड़ी नमकीन चीज़ें हैं, इसमें थोड़ी सी चीनी डाल रखी, बाकी सारी चीज़ें में कहा है मीठा भाई, मुझे बताओ था, कुछ भी बोलते रहे तो तुम लोग, है ऐसा थोड़ी चलेगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, बाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पापड़ी, पापड़ी भाई। गुजरात में आके ना ऐसी ऐसी टाइप की आपको वेजिटेबल्स के बारे में सुनने को मिलता है ना, कभी सुना भी नहीं होगा भाई, मतलब एक तो इंडिया वेज डोमिनेटिंग कंट्री, ऊपर से गुजरात वेज डोमिनेटिंग
स्टेट, मतलब ऐसी वैरायटी मिलती है ना यहाँ पे। ये पता क्या लग रहा है? एडमाम का देसी वर्जन। What is so French about French beans? Only God knows. That is nice. Be a rice. ये इनका सिग्नल है कि खत्म हो रहा है, इधर राइस खत्म हो रहा है, राइस लाए जाए, गुजराती कड़ी के साथ खाए जाए। हम लोगों ने राजकोट में आपको थाली दिखाई थी, हम लोगों ने आपको अहमदाबाद में थाली दिखाई थी, मतलब किसी भी गुजरात के सिटी में जानी है ना तो आपको थाली तो दिखानी है, और थाली के बाद, और स्पेशली थाली और छाछ पीने के बाद आपको सोना जरूर है, धाणी लेनी जरूरी है। दही भल्ला मज़ा आ गया खा के। ओके, पूरी रह गई थी, पूरी भी इनकी बाइट साइज़ की है, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप एक ही बाइट में पूरी नपेट जाए, अगर आप वेजी भाजी है तो, अगर आप वेजी भाजी नहीं है तो आप एक पूरी के दो टुकड़े कर सकते हैं, किसी ने मना ही नहीं करी। खैर मेरे को तो वैसे बोला भाई कि अगर आप एक पूरी का एक टुकड़ा में नहीं खाओगे तो आपको वापस दिल्ली नहीं भेजेंगे। फूड हियर इज़ वेरी गुड, लाइट ऑन योर स्टमक। राइस आ रहा है, मैं राइस की जगह की वेट कर रहा हूँ, देन आई विल हैव मीठा, थोड़ा सा बहुत बहुत थोड़ा सा बस, दैट्स इट। चलो भाई, भाई कह रहा है हाथ से मत खा, फिर बाद में दिक्कत होगी। थिंग बीट्स गुजराती कड़ी एंड राइस, वैसे गुजराती थाली में ना राइस सबसे एंड में देते हैं, सारा खाना ख़त्म कर दो उसके बाद राइस और दाल का कॉम्बिनेशन होता है, बट आई लव कड़ी गुजराती वाली एंड राइस। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पूरी थाली को गुलाब जामुन के साथ। ये जगह का नाम है योर गुजराती एक्सेंट इज सो सेक्सी। नाइस, उधर गुलाब जामुन इज रियली नाइस। भाई गुलाब जामुन तो एक्स्ट्रा ले लो, बाद में मिला ना मिले, बहुत ही टेस्टी है। इट्स ऑल्सो लाइट खाना यहाँ पे ना, ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब आप पूरा खाना खा जाओगे तो आपको ब्लोटिंग सी नहीं होगी, आपका पेट भर जाएगा बट आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। एंड व्हेन यू आर एंडिंग योर मील ऑलवेज एंड ऑलवेज एट कंसार कंसारी वॉट एवर, माई गुजराती एक्सेंट इज नॉट सो सेक्सी, ऑलवेज एंड योर मील विद गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बस अमेजिंग। छाछ नहीं भैया, गुलाब जामुन खा लिया तुरती हो गई, छाछ दे दो भैया, दे दो और गुलाब जामुन बोल दे रहा हूँ। हाँ भैया 10-12 गुलाब जामुन तो आराम से बोल देना, पैक हो जाता क्या खाना यहाँ पे? ठीक है सॉरी, बस आगे थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई, 300 रुपये में अनलिमिटेड ले रहे तो पैकिंग भी चाहिएगा। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, वेजी भाजी को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे @वेजी भाजी। बाकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम लोग डालते रहते हैं, कुकिंग भाजी, ट्रैवलिंग भाजी, बड़े भाजी, पापा भाजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।